उससे पहले तो जेल में नहीं थे, वो यहाँ दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि कुछ गड़बड़ तो है कहीं ना कहीं। जो पहले पक्ष में थे उनके वो भी आज विपक्ष में है उनके। पापू भी तो बैठे हुए हैं केजरीवाल जी, वो भी तो इसीलिए बैठे हुए हैं। वो गलत तो है ही है, मान लो घोटाला तो किया ही है जो जेल के अंदर रहे 17 महीने। मतलब गुनहगार कौन है, कोर्ट है या मोदी जी है? और ईमानदार होते तो 17 महीने तक जमानत क्यों नहीं मिली, अभी क्यों मिली इतने दिन बाद? नमस्कार, NMF न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। हम इस वक्त खड़े हैं दिल्ली के पटपरगंज विधानसभा क्षेत्र में, और पटपरगंज विधानसभा क्षेत्र का इस वक्त जो है मूड क्या है, माहौल क्या है, वो जानने के लिए हम पहुंचे हैं पटपरगंज विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ यहाँ इलाके के कुछ लोग हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से बीते दिनों दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत मिलती है, और सिसोदिया के इस जमानत पे भी इन लोगों की क्या कुछ राय, वो जानने की कोशिश करते हैं। अंकल जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रविंद्र कुमार गुप्ता। बीते दिनों मनीष सिसोदिया दिल्ली के पूर्व आबकारी मंत्री भी रहे हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, जमानत मिली है आखिरकार 17 महीनों के बाद अदालत से, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? वो गलत तो है ही है, मान लो घोटाला तो किया ही है जो जेल के अंदर रहे 17 महीने। हाँ, यानी घोटाला किया इसलिए 17 महीने रहे? बिल्कुल, घोटाले के घोटाला न किया होता क्यों रहते, फिर तो अपने यहीं रहते जनता में। अच्छा, पटपरगंज से जो है वो इस वक्त विधायक है, और आखिरी चुनाव में हम सब देखते हैं आखिरी घंटे में जाकर किसी तरीके से एक जीत हो जाती है, मामूली सी अंतर से वो जीतते हैं। इस वक्त जो है 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर पटपरगंज विधानसभा के लोगों का मूड क्या है, माहौल क्या है इस वक्त यहाँ का? माहौल तो सही है, माहौल क्या 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 माहौल लग रहा है मनीष सिसोदिया के पक्ष में, या उनके जेल जाने के बाद जो है और ज्यादा गिरावट आई है उनकी लोकप्रियता? गिरावट ही आई है, पक्ष में कोई नहीं है, गिरावट तो आई है, गिरावट आई, बिल्कुल गिरावट आई है। क्या लग रहा है सर, गिरावट आई है क्या मनीष सिसोदिया की लोकप्रियता में? देखिए, मनीष सिसोदिया जी 17 महीने रह के आए जेल में जी, और सशर्त उनको जमानत मिली है कि आपको 10 लाख रुपए के बॉन्ड पे जमानत मिली, उसके बाद हर हफ्ते 2 बार जाके थाने में हाजिरी देनी है, 10 नंबर डकैतों की तरह। कोई ऐसे ही नहीं दे दी सुप्रीम कोर्ट ने, बिल्कुल शर्तों के आधार पे जमानत दी है। और ईमानदार हैं वो, ईमानदार पार्टी, ईमानदार पार्टी के नाम पे, तो कोर्ट अगर उनको जमानत देती है तो वो बहुत ईमानदारी की जय, और नहीं तो मोदी जी मुर्दाबाद। कोर्ट उनके फेवर में आए तो सही, और ना आए तो मोदी, मतलब गुनहगार कौन है, कोर्ट है या मोदी जी है? और ईमानदार होते तो 17 महीने तक जमानत क्यों नहीं मिली, अभी क्यों मिली इतने दिन बाद? किस तरीके से कम दिल्ली की बाकी सड़कों की जो हालत है उससे लाख गुना आपको यहाँ बेहतर सड़कें दिखाई देगी, कम से कम यहाँ जो है आप पैदल भी चल सकते हैं, आप अपने वाहन से भी चल सकते हैं, लेकिन सर दिल्ली के बाकी इलाकों में ऐसी सड़कें क्यों नहीं दिखाई दे रही? एक्चुअली ये तो अब सरकार, ये पूछने का तो नेता से पूछिए जो वहाँ पर जो विधायक हैं या जो जो सांसद हैं, ये बात विषय उनसे पूछने का है। लेकिन मैं यहाँ की बात करूँ, जब से यहाँ पर मनीष सिसोदिया जी वो बने हैं, जो भी विधायक बने हैं, तब से वो सिर्फ प्रचार के दौरान यहाँ आते हैं, उसके बाद वो यहाँ पर दिखाई नहीं देते हैं। अभी तो चलो 10-15 महीने से वो जेल में है, उससे पहले तो जेल में नहीं थे, वो यहाँ दिखाई नहीं देते हैं। बाहर रहकर भी अपने विधानसभा क्षेत्र में मनीष सिसोदिया नहीं आते? जी बिल्कुल नहीं, मनीष सिसोदिया ही नहीं, अन्य जैसे बीजेपी के भी यहाँ पर अगर आप सांसद की बात करें तो वो भी नहीं आते हैं। तो अगर मैं लोकल नेता की बात करूंगा, जैसे रवि नेगी जी है यहाँ पर, जो लोकल पार्षद यहाँ काउंसलर है, इनकी जो यहाँ पर मौजूदगी है, इनका जो यहाँ पर जो विकास कार्य है, ये अपने स्तर पर मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का नेता होना बहुत जरूरी है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई हो, अगर बड़ा नेता बनता है तो फिर वो उनको ये न हो यहाँ पर उनको आम जनता के बीच में आने का न उनको कोई वो दिखता है, और न ही वहाँ पर सुधार की उनको कोई जन कल्याण से उनको कोई मतलब नहीं होता है। 2025 विधानसभा में क्या कुछ लग रहा है मनीष सिसोदिया एक बार फिर से जीत कर आ रहे, इस वक्त माहौल क्या है आपके विधानसभा क्षेत्र का? देखिए, अब जिस तरह से उन पे इतने बड़े आरोप लगे हुए हैं, और जो एजेंसीज उन पे कार्रवाई कर रही है या फिर जांच का वो विषय है, वो अब कोर्ट में जो भी है वो चल रहा है विषय, तो इससे कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता काफी डाउन हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में वो जीत पाएंगे, इतने बड़े उनके पास आरोप के बाद जीत पाएंगे ऐसा मुझे नहीं लग रहा बिल्कुल। सर क्या लग रहा है मनीष सिसोदिया को लेकर इस वक्त माहौल क्या है पटपरगंज विधानसभा क्षेत्र? बहुत पहले से बहुत बेकार माहौल है। उनके जो पक्ष में जो लोग थे वो लोग भी विपक्ष में हो गए हैं।
जो पहले उनको सपोर्ट करते थे, पहली बात तो जो है सो दिल्ली की हर एक गली, जो गली में पहले कभी पानी नहीं लगता था, इससे बढ़कर तो कांग्रेस की सरकार थी हम कहते हैं, पहले जो गली में पानी नहीं लगता था आज के डेट में उस गली में हम अगर जाना, ये 1.5 किलोमीटर है तो मैं 4 किलोमीटर घूम के घर पहुंचता हूं, कारण इतना जल भराव की समस्या। अगर बॉम्बे जैसे बारिश यहां पे हो जाए 2 दिन तो मैं कहता हूं यहां का माहौल वो हो जाएगा जो कम से कम 1 महीने के लिए सारा कुछ गड़बड़ा जाएगा। क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी MCD में भी है, उनके जो नेता है, जो विधायक है, वो सड़कों पे काम नहीं कर रहे? पहले वही बात मैं भी कहना चाह रहा हूँ, पहले जो MCD में BJP थी तो पहले और अब में बहुत सारा अंतर है। पहले थोड़ा बहुत तो सही भी था, मैं बताया आपको पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, इससे बेटर थी जी। आज के डेट में हर एक जगह इतना जल भराव है, जो मतलब मैं आपको पहले बताया मेरा घर यहाँ से 1.5 किलोमीटर है और मैं जाता हूँ यहाँ से 4 किलोमीटर घूम के। किस लिए? मेन रोड पे, मेन रोड जो हाईवे के नीचे फ्लाईओवर के नीचे इतना पानी भरा होता है जिसके वजह से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर गाड़ियां घूम के जाती है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए बीजेपी के, बीजेपी तो जिम्मेदार है नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी जो है सो आम आदमी पार्टी की सरकार है तो आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। ये तो कोई भी कह, जिसकी गवर्नमेंट रहेगी वही जिम्मेदार रहेगा। क्या लग रहा है 2025 के विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र से, पटपड़गंज विधानसभा से मनीष सिसोदिया जी का जीतना मुश्किल है? मैं ये तो खैर चुनाव बताएगा, लेकिन जो मैं पहले बताया हूँ, जो पहले पक्ष में थे उनके वो भी आज विपक्ष में है उनके। क्यों? जो घोटाले का जो आरोप लगा, जो दाग लगा, इस वजह से या इस क्षेत्र में नहीं आते नहीं, इस वजह से? दोनों ही कारण है दोनों ही कारण है। एक तो घोटाले जो हुए या क्या हुआ नहीं हुआ, हम लोगों को तो इतना जानकारी होता नहीं है, हम लोग आम आदमी ठहरे, अपना कमाना खाना है। लेकिन यही बात है जो कि मतलब जो दाग लगे तो कोर्ट ने जो फैसला दिया है या जो भी दिया है कुछ सोच समझ के ही किया होगा, उसके बारे में ज्यादा मुझे नहीं पता, मैं नहीं ज्यादा बोल सकता। खबर है कि हो सकता है आने वाले दिनों में दिल्ली का मुख्यमंत्री भी बना दिया जाए सिसोदिया को, ऐसी खबरें हैं। तो अगर मनीष सिसोदिया जी CM बनते कैसे देख रहे? देखो जी, आदमी तो वो अच्छा है पर लेकिन वो जो घोटाले में फंसा उस चक्कर में वो हो गया, छवि खराब है। लेकिन इस बार तो बीजेपी लग रहा है बीजेपी आएगी, क्योंकि कुछ गड़बड़ तो है कहीं ना कहीं। गड़बड़ है तभी 17 महीने बाद जमानत, तो वो भी तो माँ बापू भी तो बैठे हुए हैं केजरीवाल जी, वो भी तो इसीलिए बैठे हुए हैं। मुझे तो नहीं लगता, लग रहा है उनकी लोकप्रियता में इस वजह से गिरावट आई है। गिरावट तो आएगी आएगी, जब घोटाला करोगे तो 100-100 करोड़ रुपए खा जाओगे तो कहाँ जाएंगे? दारू एक जो पगवा पी रहा था वो अंधा पी रहा है आजकल, क्यों उसको डबल दे दे के उन्होंने खराब कर दिया, कई तो मर गए गुर्दे उनके खराब हो गए। डबल दारू भी हुआ है परिवारों का, परिवार को हुआ है क्योंकि उसने दारू फ्री दिया वो भी घटिया वाली। तो बहुत सारे स्कूल खोलेंगे लेकिन स्कूल खुले क्या? स्कूल से ज्यादा तो शराब के ठेके इस वक्त दिल्ली में खुले हुए। वो तो खुले हुए हैं लेकिन देख तो रहे, स्कूल ये भी है वो भी है, स्कूल तो खुले हैं कई जगह खुले, लेकिन भाई साहब ये दीवार बनाने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप टीचर नहीं सही रखोगे, जब तक दीवार अच्छी बना दी, टीचर अच्छे नहीं है तो फायदा क्या स्कूल का? क्या करना उसका? आपको टीचर भी तो अच्छा चाहिए जो अच्छा। अभी एक की बात बताऊं, मैं मेरा बेटा मिडिल पब्लिक में पढ़ता था, मैं गया वहाँ पे तो वो मेरे से आगे था, तो बोला आप क्या काम करते हैं? बोला जी हम टीचर हैं। टीचर हो आपका बच्चा तो कुछ नहीं करता? बोला तुम क्या करते हो, क्या पढ़ाते हो बच्चों को? बोला जी हमारा काम बच्चों को घेरना है, पढ़ाना नहीं है। तो वो हिसाब हो रहा है तो करेगा क्या? अभी यहाँ पे अभी छुट्टी होगी, आप देखना बच्चों को क्या बुरा हाल होगा यहाँ पे, माँ बहन गाली गलौज। यानी बच्चों को शिक्षा नहीं दिया जा रहा स्कूल के, बस दीवारें बिल्डिंगे अच्छी अच्छी बना दे रहे हैं। टीचर मतलब उनको कुछ आता नहीं है, काम करते नहीं है, खाट वो टांग बटांग रखे सो रहे हैं, तो क्या फायदा उस बात का? स्कूल बदलना पड़ेगा आपको, स्कूल के टीचर बदलने पड़ेंगे तब जाके आप ठीक होगा। शिक्षा मॉडल बहुत तारीफ होती है, इसी मुद्दे पे आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव भी लड़ती है, पानी शिक्षा स्वास्थ्य, केजरीवाल जी का शिक्षा मॉडल, सिसोदिया जी का शिक्षा मॉडल कैसे देख रहे हैं? काम कर रहा है या फेल हो गया? देखो स्कूल ये जो भाषण में कहा सही कहा है, वो बिल्डिंग बना के खड़ी कर दी है लेकिन पढ़ाई के मतलब एकदम बेकार है। बच्चे को किसी को इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू ले उसके बच्चे पढ़ाई के लिए तो बच्चा फेल है उसके लिए, बच्चा जवाब नहीं दे पाएगा, बच्चों को बेसिक नॉलेज ज्ञान नहीं मिल पा रहा है, उसे उस तरीके से नहीं मिल पा रहा है।